वेलकम बैक टू अवर चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्रेट वेलकम है। आशा और मुझे पूरा उम्मीद है आप पूरा परिवार स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होगा। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सभी यंगस्टर नौजवान बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि कट ऑफ में कितना इफेक्ट पड़ने वाला है वो भी हम इस बार बताने वाले हैं आपको। तो सारी जानकारी देने वाले हैं, कितना वैकेंसी बढ़ चुका है, किन किन फोर्सों में बढ़ा है, और ये बढ़ने से आपको क्या क्या लाभ होंगे, कैसे एक कमज़ोर विद्यार्थी को एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इसके पास कि फिजिकल करके इसी साल एक वर्दी ले ले। तो आप लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, बगल में छोटी सी घंटी भी दी हुई है, दोनों का दबा दीजिए ताकि आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट हो हम सारी गवर्नमेंट जॉब को अच्छे से यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि SSC GD 2024 का जहाँ बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे उसी बीच एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम जो मतलब कि जो पहले वैकेंसी थी 26,000 तकरीबन थी, उसमें 20,000 वैकेंसी की बढ़ोतरी होने के बाद जितने भी हमारे नौजवान हैं, यंगस्टर है, पेंशन धारक है और हमारे एक्सरिस मैन है, जितने भी बच्चे हैं बहुत खुश हो गए, हलचल मच गया है। आपको बता दें यहाँ पे तकरीबन अब पोस्ट टोटल हो जाएगा 46617। तो अब आप लोग के पास एक अच्छा और सुनहरा मौका है, अपना फिजिकल पे ध्यान दीजिए, डेली रनिंग और ताबड़तोड़ जो प्रैक्टिस है उसको ध्यान दीजिए। मैं पहले भी बोल रहा था कि अपनी रनिंग पे ध्यान दीजिए। जैसे ही नोडल ऑफिसर जैसे ही तैयार किए जाएंगे, जैसे ही इस टेंडर को जारी कर दिया जाएगा, उसके तकरीबन 20 दिन में आपको टाइम मिलेगा, नोटिस आ जाएगा, 20 दिन का टाइम मिलेगा और आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे BSF, CISF और BCRPF, SSB, ITUP, असम राइफल, SSB और NCB, ये सारे इसमें फोर्स हैं। और इसी फोर्स में को आगे आप लोग को बता दें कि ये सब फोर्स को ही यहाँ पे मतलब इस फोर्स में सब में वैकेंसी अब इंक्रीज़ हुई है। तो आपका जो भी ड्रीम फोर्स है कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं, और साथ में कैसी लगी जानकारी जो ऑफिशियल आई थी। देखिए इफेक्ट बहुत पड़ने वाला है SSC GD के कट ऑफ में, जहाँ कट ऑफ हाई जा रहा था 160 में से कहीं 120, 130, कहीं 110, 90, सारे बच्चे का बहुत अच्छा मज़ा आ गया, अब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, अब उनको फिजिकल में ध्यान देना चाहिए। चलिए इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।